नमस्ते भाइयों, मैं आपका दोस्त ब्रह्मदत्त। आज हम बात करेंगे कि कुछ महिलाएं ये सोचती हैं कि अगर पति से या ससुराल वालों से अगर विवाद हो गया तो उनको आधी संपत्ति मिल जाएगी, आधी तनख्वाह मिल जाएगी, घर मकान में हिस्सा मिल जाएगा, परेशान हो जाएंगे, प्रेशर बन जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत धारणा है, क्योंकि कोर्ट कचहरी कानून के हिसाब से चलते हैं। और ये बात अलग है कि थोड़ा ऊंच नीच तब हो जाता है जब हम अपनी बात सही तरीके से नहीं कह पाते। तो इसी के संबंध में आज हम वीडियो बनाएंगे। और दूसरी बात कि इस तरीके की अफवाहों में आके अपना घर बर्बाद ना करें, क्योंकि पछतावा बाद में होता है। और जो चीज़ें कानूनी तौर पे चलनी है, अगर आप कानून के दरवाजे पे गए हैं और आपको न्याय चाहिए और आपके साथ में इस तरीके का कोई भी वाकया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें कानूनी तरीके से ही सॉर्ट आउट होंगी और समाधान आप स्वयं हैं। तो इस संबंध में हम वीडियो बनाने जा रहे हैं कि 125 CRPC भरण पोषण में महिला बढ़ा चढ़ा के उसमें बहुत कुछ लिख देती है, इतनी पति की सैलरी है, इतनी संपत्ति है, लेकिन उस पर प्रूफ नहीं लगाती तो वो फॉल्स एफिडेविट बन जाता है। पति इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाते हैं, सोचते हैं कि चलो ठीक है, हटाओ, महिला है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन सच्चाई ये है, ना तो आधी सैलरी मिलती है, अगर पति बेरोजगार है और पत्नी अगर उसको प्रूफ नहीं कर पा रही है, तो जो जज है वो एक लमसम लेबर कैटेगरी का अमाउंट मानते हुए, जैसे 300 रुपये डेली के हिसाब से 9,000 रुपये हो गए महीने भर में 30 दिन के, तो उसके हिसाब से वो तय कर देते हैं कि 1/3 हिस्सा देना है या 1/5 हिस्सा देना है, बच्चे हैं तो किस तरीके से देना है। तो वहाँ पे महिला गलत साबित हो जाती है और इसके खिलाफ में कार्रवाई भी हो सकती है, और ये सारी धारणाएं धरी की धरी रह जाती, और ये सारा प्रोसेस होने में महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, 4 साल, बहुत लंबा समय लग सकता है। इसी तरीके से भरण पोषण में भी है। और प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी हक कैसे, आपको आधी प्रॉपर्टी कैसे मिल जाएगी, जिस घर में आप शादी होके गई है उसमें आपको सिर्फ रहने का अधिकार मिल सकता है, ना कि उसमें आपको हिस्सेदारी मिल सकती है। इसके संबंध में हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं कि अगर पति द्वारा अर्जित संपत्ति है और पति के मरने के बाद ही वो आपके नाम आएगी, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके और आपके पति के संबंध पहले किस तरीके के रहे। ऐसा नहीं है कि बहुत लोग प्रॉपर्टी के लालच में पति के साथ कोई घात करने की कोशिश करते हैं तो उनको ये लगता है कि नहीं, प्रॉपर्टी हमें मिल जाएगी, तो इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी तो बन सकती है लेकिन इतनी हिस्सेदारी उसमें इतनी आसानी से नहीं बन पाती। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। संपत्ति और जो मकान है जिसमें आप शादी होके गई है, अगर वो सास के नाम से है, ससुर के नाम से है, जिसमें आपको मतलब भर दिया गया है कि आपको आधी प्रॉपर्टी मिलेगी जिसमें आप रह रहे थे, यहाँ से आप छोड़ के आए, तो ये भी गलत है। उसमें आप केवल रहने का अधिकार ही मांग सकते हैं और कोर्ट आपको सिर्फ रहने का अधिकार ही दे सकता है, बाकी का कुछ नहीं है। और इस तरीके की गलत धारणाएं दिमाग से निकल जानी चाहिए, क्योंकि इससे सिर्फ लाइफ बर्बाद हो सकती है। बाकी का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आपको पति की सैलरी में से, भरण पोषण में से आधा हिस्सा दिया जाए, या संपत्ति में से आधा हिस्सा दिया जाए, या किसी और तरीके से। और बाकी डोमेस्टिक बैलेंस की बात आ गई, डोमेस्टिक बैलेंस में भी ऐसा ही है, हिंदू मैरिज एक्ट 24 में भी ऐसा ही है। अगर आपको लगता है कि हमें डोमेस्टिक वायलेंस में अलग से मेंटेनेंस मिलेगा, CRPC 125 में अलग से मिलेगा, HMA 24 में अलग से मिलेगा, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अलग से दिया जाए। हालांकि एक्ट ऑफ प्रोविजन अलग अलग है, सब में अलग अलग होना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, लेकिन इसमें अगर जज अगर स्वतः विवेक से अगर ये सोचेंगे तो किसी एक में ही मेंटेनेंस देंगे, वो जिसमें कि सबसे ज़्यादा हो। दूसरी बात, और आज की डेट में अभी रिसेंट जजमेंट आया था रजनीश वर्सेस नेहा का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये जजमेंट दिया था, उसमें तो अब सीधा सीधा साफ कह दिया है कि आपको अपना डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, अपना एफिडेविट देना पड़ेगा, गलत एफिडेविट हुआ तो कंटेम्प्ट की कार्रवाई होगी। तो अब ये सारी चीज़ें नहीं रह गई हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि महिला जो होती है अपनी इनकम छुपाने की कोशिश करती है और पति पे सारा ब्लेम लगाती है, तो ये सारी चीज़ें खत्म हो गई। लेकिन यहाँ पे पति को भी ये चीज़ साबित करनी पड़ेगी कि महिला आपकी कमा रही है या नहीं कमा रही, उसने एफिडेविट सही दिया है या नहीं दिया है, दोनों पक्षों से एफिडेविट लगने लगे हैं,
तो ऐसी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और आप लोगों तक जानकारी हम पहुंचाते रहेंगे। अगर मेरी किसी भी तरीके की आपको मदद की ज़रूरत है तो आप संपर्क कर सकते हैं और नीचे हमारा नंबर चल रहा है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए